Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In the lecture series of entomology, today I will deliver my talk on nervous system of an insect. जैसा कि आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा एंटोमोलॉजी की एक विशेष व्याख्यानमाला आयोजित की जा रही है. आज की इस व्याख्यानमाला के तहत मैं कीटों के नर्वस सिस्टम पे मैं आपसे चर्चा करूँगा. आज से करोड़ों वर्ष पहले एक कोशिकीय प्राणियों का विकास हुआ था और इन यूनिसेलुलर एनिमल्स में सभी फंक्शंस, चाहे वो डाइजेशन का हो, चाहे रेस्पिरेशन का हो, चाहे एक्सक्रीशन का हो, ये सभी फंक्शंस एक ही कोशिका के द्वारा संपादित किए जाते थे. बाद में इन यूनिसेलुलर एनिमल्स से मल्टीसेलुलर एनिमल्स का विकास हुआ और मल्टीसेलुलर एनिमल्स में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स बने. जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया. और इन सभी सिस्टम्स में यूनिफॉर्मिटी और कोऑर्डिनेशन, यानी सामंजस्यता और एकरूपता स्थापित करने के लिए दो सिस्टम और बने, जिसमें एक तो था नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, दूसरा एक सिस्टम बना एंडोक्राइन सिस्टम या अंतरस्रावी तंत्र. और इंसेक्ट में नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है, हाईली डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम भी पाया जाता है. अब नर्वस सिस्टम की जो स्टडी है वो न्यूरोलॉजी के नाम से जानी जाती है, या नर्वस सिस्टम की स्टडी न्यूरोलॉजी कहलाती है, और एंडोक्राइन सिस्टम की जो स्टडी है वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है. और कई बार इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है. तो मैं यहाँ पर दो व्याख्यान डिलीवर करूँगा. नर्वस सिस्टम का एक अलग से लेक्चर आज मैं आपसे शेयर करूँगा और इसके बाद में सेकंड जो व्याख्यान होगा वो एंडोक्राइन सिस्टम पे फोकस रहेगा. अब नर्वस सिस्टम द्वारा जो संपादित जो कार्य है ये बहुत फास्ट होते हैं, वेरी रैपिड है और शॉर्टर ड्यूरेशंस के, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम के जो कार्य हैं ये धीरे धीरे संपादित होते हैं और लंबे समय तक चलता है. तो आज की इस व्याख्यानमाला में कीटों का जो तंत्रिका तंत्र है उस पर मैं आपसे शेयर करूँगा और इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम है इसको बेसिकली तीन वैरायटी में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है इसमें विसरल नर्वस सिस्टम, और तीसरी टाइप इसमें होती है पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र. तो ओवरऑल इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम है वो तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. विसरल नर्वस सिस्टम है ये भी तीन तरह का होगा, इसको भी मैं आपसे चर्चा करूँगा, लेकिन पहले मैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे आपसे शेयर करूँगा. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये इंसेक्ट में वेंट्रल सरफेस पर पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जितने भी कॉर्डेट है, वर्टिब्रेट है, उसमें तो नर्वस सिस्टम डोर्सल सरफेस पे होता है, सिंगल होता है, ट्यूबुलर होता है, लेकिन इनवर्टिब्रेट में जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल सरफेस पे होता है, डबल होता है, सॉलिड होता है. अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे आगे ब्रेन है, दिस इज ब्रेन, इसको सेरिब्रल गैंग्लियन भी बोलते हैं, और ब्रेन की एक्चुअल जो उत्पत्ति है वो तीन जोड़ी गैंग्लियन से होती है. इस ब्रेन का
डिटेल डायग्राम जैसे वहाँ पर मैंने दिखाया है उसमें आप देखोगे इसके अंदर तीन पार्ट है। इसमें ब्रेन का ये जो पार्ट है ये प्रोटो सेरिब्रम है, ब्रेन का ये जो पार्ट है ये ड्यूटो सेरिब्रम है, ब्रेन का ये जो पार्ट है ये टीटो सेरिब्रम है। तो एक्चुअल में जो सेरिब्रल गैंग्लियन या ब्रेन जो है इसकी उत्पत्ति तीन जोड़ी गैंग्लियन से हो रही है या तीन जोड़ी पार्ट से हो रही है, तो प्रोटो सेरिब्रम, ड्यूटो सेरिब्रम और टीटो सेरिब्रम। और ये ब्रेन जो होता है ये इसोफेगस के ऊपर है, जस्ट इसोफेगस की सुपीरियर सरफेस पे है। इसोफेगस के जस्ट नीचे एक गैंग्लियन होता है सब इसोफेजियल गैंग्लियन, इस गैंग्लियन की फॉर्मेशन भी तीन जोड़ी गैंग्लियन से होती है। तो सेरिब्रल गैंग्लियन के तीन पार्ट हो गए, प्रोटो सेरिब्रम, ड्यूटो सेरिब्रम, टीटो सेरिब्रम। और सब इसोफेजियल गैंग्लियन जो है इसके अंदर भी तीन गैंग्लियन के फ्यूजन से इसकी फॉर्मेशन हो रही है। और ये दोनों सब इसोफेजियल गैंग्लियन और ब्रेन ये आपस में सरकम वी इसोफेजियल कनेक्टिव के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। और ये जो गैंग्लियन है ये फेरिंग्स के नीचे है, वेंट्रल सरफेस पे है। अब इस सब इसोफेजियल गैंग्लियन से ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलता है जो बॉडी में आगे से पीछे तक फैला रहता है। इसमें आप देख रहे हो डबल लाइन में दिखाया मैंने, इट मीन्स वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो डबल है, सॉलिड है। यदि इस गैंग्लियन की आप हिस्टोलॉजी काट के देखो तो गैंग्लियन है वो खोखला नहीं है, सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जबकि कॉर्डेट का यदि ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो वहाँ पर खोखली रचना दिखाई देती है। तो पूरी बॉडी में वेंट्रल सरफेस पे ये डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है और इस नर्व कॉर्ड में हर एक हर सेगमेंट में सेगमेंटल गैंग्लियन भी प्रेजेंट होंगे। तो थोरेक्स में जैसे तीन सेगमेंट है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, उसी तरह इसमें तीन जोड़ी गैंग्लियन है, प्रोथोरेक्स में प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, मीजोथोरेक्स में मीजोथोरेसिक गैंग्लियन और मेटाथोरेक्स में मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। अब थोरेक्स के बाद में फिर एब्डोमन है, तो एब्डोमन के अंदर गैंग्लियन की संख्या जो है वो सात जोड़ी भी हो सकती है, आठ जोड़ी भी हो सकती है, नौ जोड़ी भी हो सकती है और जनरली इसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एब्डोमन में जितने गैंग्लियन होंगे उतने एब्डोमिनल गैंग्लियन होंगे, क्योंकि लास्ट का जो कॉडल गैंग्लियन जो होता है इसको स्टीलेट गैंग्लियन के नाम से भी जाना जाता है। और कॉडल गैंग्लियन में देखा गया कि बॉडी के लास्ट के जो सेगमेंट होते हैं उनके गैंग्लियन आपस में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और उनके फ्यूजन से इनकी साइज भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो वैसे काउंट करोगे तो इनकी संख्या कम आएगी, लेकिन हिस्टोलॉजिकली देखें तो कई बार कुछ गैंग्लियन ऐसे भी हैं जिनका निर्माण दो जोड़ी गैंग्लियन से हो रहा है, तीन जोड़ी गैंग्लियन के फ्यूजन से हो रहा है। तो ये एब्डोमिनल गैंग्लियन है और एब्डोमिनल गैंग्लियन से हर गैंग्लियन से एक एक जोड़ी नर्व्स निकलती है, दो दो जोड़ी नर्व्स निकलती है। इसी तरह प्रोथोरेक्स का जो गैंग्लियन है इससे दो जोड़ी नर्व निकलती है, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के गैंग्लियन से तीन तीन जोड़ी नर्व्स निकलती है, क्योंकि प्रोथोरेसिक सेगमेंट जो होता है उसके अंदर टांगे पाई जाती है और स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, पंख नहीं पाए जाते हैं। लेकिन मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में टांगे भी पाई जाती है, स्पाइरिकल्स भी पाए जाते हैं और एक एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। तो इन ऑर्गन्स को सप्लाई करने के लिए, नर्व सप्लाई करने के लिए इसमें तीन तीन नर्व्स की ओरिजिन होती है और बाकी जो ये एब्डोमिनल गैंग्लियन है इनसे दो दो जोड़ी नर्व्स, और ये अपने सेगमेंट में जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी रचनाएं हैं उन सभी को ये नर्व की सप्लाई करती है। अब ये एक बेसिक सिंपल डायग्राम है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसमें ब्रेन हो गया, फेरिंग्स के नीचे सब इसोफेजियल गैंग्लियन, इसे फिर वेंट्रल नर्व कॉर्ड, थोरेक्स में तीन जोड़ी गैंग्लियन, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक, और एब्डोमन के हर सेगमेंट में एक एक जोड़ी गैंग्लियन है। लेकिन इन गैंग्लियन की संख्या अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग होती है। कुछ इंसेक्ट में सात जोड़ी एब्डोमिनल गैंग्लियन देखने को मिलेंगे, कुछ में आठ जोड़ी मिलेंगे, कुछ में नौ जोड़ी मिलेंगे, लेकिन एब्डोमन में 11 सेगमेंट है तो 11 जोड़ी गैंग्लियन इसमें कभी भी नहीं पाए जाएंगे। और एब्डोमिनल गैंग्लियन में हमेशा रिडक्शन है वो देखने को मिलता है, रिडक्शन ही नंबर। अब इसी पार्ट का ये थोड़ा डिटेल डायग्राम, ये ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रल गैंग्लियन, इसके अंदर ये प्रोटो सेरिब्रम, ये वाला पार्ट ड्यूटो सेरिब्रम,
ये वाला पार्ट टीटो सेरिब्रम, सेरिब्रल गैंग्लियन के दोनों तरफ ऑप्टिक लोब है, क्योंकि इंसेक्ट में कंपाउंड आई पाई जाती है और कंपाउंड आई होती है वो इस ऑप्टिक लोब के द्वारा कनेक्ट रहती है। ऑसिलाई पाई जाती है, ऑसिलाई से ऑसिलाई नर्व है वो इसके साथ जुड़ी रहती है, एंटीनरी नर्व इसके साथ कनेक्टेड रहती है। अब इस सब इसोफेजियल गैंग्लियन के जस्ट ऊपर एक फ्रंटल गैंग्लियन और पाए जाते हैं। अब ये फ्रंटल गैंग्लियन का जो पार्ट है ये एक्चुअल में इस विसर नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये एक इसी पार्ट का एक थोड़ा एनलार्ज पोर्शन यहाँ पर दिखाया है। और इस पोर्शन में आप देख रहे हो उसमें ऑप्टिक लोब क्लियर है, प्रोटो सेरिब्रम क्लियर है, ड्यूटो सेरिब्रम क्लियर है, टीटो सेरिब्रम क्लियर है, और इसके जस्ट नीचे ये फ्रंटल गैंग्लियन है और इसोफेगस के नीचे ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन है जो आपस में सर्कमफ्रेंजियल कनेक्टिव के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। अब इस ब्रेन का ये डिटेल पोर्शन, इसी पार्ट का और डिटेल पोर्शन, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें ब्रेन ही मुख्य रचना है, तो यहाँ पर जो व्याख्यान है अपना वो ब्रेन पे ही फोकस रहेगा। अब ये पूरे ब्रेन का एक डिटेल पार्ट है इसमें, और इंसेक्ट का जो ब्रेन होता है या सेरिब्रल गैंग्लियन होता है उसके अंदर मुख्य रूप से 7 भाग होते हैं, या उसके अंदर 7 लोब हैं, 7 पर्टिकुलर एरिया है। ये 7 एरिया कौन कौन सी हैं? फर्स्ट एरिया है इसके अंदर ऑप्टिक लोब, हाँ इन सभी के बारे में मैं शॉर्ट में आपको डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पार्ट इज ऑप्टिक लोब, सेकेंड पार्ट ओसिलार सेंटर, ओसिलार सेंटर, थर्ड पार्ट इसमें हो गया सेंट्रल बॉडी, चौथा पार्ट इसमें हो गया प्रोटो सेरिब्रल ब्रिज, प्रोटोसेरिब्रल ब्रिज, और पांचवा पार्ट है इसमें पार्स इंटरसेरिब्रलिस, पार्स इंटरसेरिब्रलिस, छठा पार्ट इसमें होता है कॉर्पोरा पिडेंक्यूलेटा, कॉर्पोरा पिडेंक्यूलेटा, और सातवां जो पार्ट है वो इसमें होता है एंटीनल लॉब, है जो कि एंटीना से संबंधित है। अब ये जो ब्रेन जो होता है, इस ब्रेन में भी जैसे 3 पार्ट है मैंने आपको बताया, पहला पार्ट प्रोटोसेरिब्रम, दूसरा पार्ट ड्यूटोसेरिब्रम, और तीसरा पार्ट टीटोसेरिब्रम। ये इस डायग्राम में आप देख रहे हो, दिस इज टीटोसेरिब्रम, ये बीच का जो पार्ट है ये ड्यूटोसेरिब्रम है, और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये प्रोटोसेरिब्रम है, और प्रोटोसेरिब्रम के अंदर ये 7 सब डिविजन्स हैं, 7 इसके अंदर मेजर एरियाज हैं जो अलग अलग बॉडी के अलग अलग हिस्सों से नर्व्स को इम्पल्स को रिसीव करती है और उसको आगे प्रोसेस करने का काम करती है। तो प्रोटोसेरिब्रम के अंदर 7 मेन पार्ट हो गए हैं, ऑप्टिक लोब, ओसिलार सेंटर, सेंट्रल बॉडी, प्रोटोसेरिब्रल ब्रिज, पार्स इंटरसेरिब्रलिस, कॉर्पोरा पिडेंक्यूलेटा और एंटीनल लॉब। अब इन सभी पार्ट को मैं एक एक लोकेट करके आपको जैसे बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट जैसे ऑप्टिक लोब, अब ये डिटेल डायग्राम है पूरे एक ब्रेन का। अब इस ब्रेन का ये जो पार्ट है ये ऑप्टिक लोब है, इस ऑप्टिक लोब के अंदर ये 3 मेजर ओवॉइडल बॉडीज होती है, और इंसेक्ट में चूँकि कंपाउंड आई पाई जाती है, कंपाउंड आई के अंदर ओमेटीडिया होते हैं,
और ओमेटीडिया होते हैं वो रेबडम के द्वारा जैसे एक दूसरे से आइसोलेट रहते हैं। कुछ इंसेक्ट में सुपर पोजिशन इमेज बनती है, कुछ इंसेक्ट में अपोजिशन इमेज बनती है, लेकिन कंपाउंडर से आने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं, वो ऑप्टिक नर्व इस ऑप्टिक लोब के द्वारा कम्युनिकेट रहती है। तो कंपाउंडर से जो भी उद्दीपन आएगा वो उद्दीपन इस भाग में रिसीव होगा और इसके आगे फिर प्रोसेसिंग होती है, आगे इसका फर्दर कम्युनिकेशन होता है। तो ब्रेन का ये सबसे हाईली डेवलप्ड पार्ट है, क्योंकि कंपाउंड आई की साइज भी बड़ी होती है। आप जैसे घरेलू मक्खी को आप देखो, मक्खी छोटी है लेकिन मक्खी की तुलना में उसकी कंपाउंड आई बहुत बड़ी होती है, और ये कंपाउंड आई में हज़ारों की संख्या में ओमेटीडिया हैं वो पाए जाते हैं। प्रत्येक ओमेटीडिया अपने आप में एक इंडिविजुअल आँख है। तो जिस तरह अपनी आँखों की रेटिना में श्लाका और शंकु कोशिकाएँ होती है, रॉड और कॉन, उसी तरह इंसेक्ट की आँखों के अंदर ओमेटीडिया पाई जाती है। और ओमेटीडिया जो है वो एक तरह से कंपाउंड आई की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेकंड पार्ट है इसमें ओसिलार सेंटर। ओसिलार में नाम से स्पष्ट है, ओसिलाई। इंसेक्ट में कंपाउंड आई तो होती ही है, उसके अलावा उसमें सामान्य आंखें भी पाई जाती है, सिंपल आंखें भी पाई जाती है, जिसको ओसिलाई बोलते हैं। और ओसिलाई हालांकि देखने में इतनी इनका कोई यूज़ नहीं है, केवल एक तरह से सिंपल फोटोरिसेप्टिव ऑर्गेन्स के रूप में काम करती है। तो इंसेक्ट में तीन सिंपल आई होती है, और सिंपल आई से जो तंत्रिका रही है ये ओसिलार नर्व्स कहलाएगी, और ओसिलाई के जस्ट नीचे का ये जो पार्ट है ये ओसिलार सेंटर्स कहलाता है। तो ऑप्टिक लोब हो गया, ऑप्टिक लोब के बाद में सेकेंड जो पार्ट है दैट इज ओसिलार सेंटर। अब तीसरा जो पार्ट है इसमें दैट इज सेंट्रल बॉडी। सेंट्रल बॉडी में नाम से स्पष्ट है कि ये ब्रेन के सेंटर में पाई जाएगी, क्योंकि इस ब्रेन के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है। इसमें आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, जैसे ब्रेन को आप बीच में से जैसे कट कर लो तो ये ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हो गया, ये ब्रेन का राइट पार्ट हो गया, और एक तरह से बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। तो ब्रेन के एकदम बीचों बीच ये ओवॉइडल बॉडी होती है, इसको सेंट्रल बॉडी के नाम से जाना जाएगा। और इस सेंट्रल बॉडी में क्या होगा, तंत्रिकाएं जो होती है, नर्व ट्रैक्ट जो होता है वो यहाँ पर गुजरता है, तंत्रिकाओं की क्रॉसिंग भी यहाँ पर होती है। जनरली क्या होता है, लेफ्ट साइड का पार्ट है वो ब्रेन के राइट पार्ट से कंट्रोल होगा, बॉडी का राइट पार्ट है वो ब्रेन के लेफ्ट पार्ट से कंट्रोल होगा, और इनसे जो तंत्रिकाएं निकलती है उनकी कई बार यहाँ पर क्रॉसिंग हो जाती है, और ये क्रॉसिंग वाले जो एरिया है इनको काइज़मा के नाम से जाना जाता है। जैसे अपनी आँखों में ऑप्टिक काइज़मा मिलता है ब्रेन के अंदर, क्योंकि लेफ्ट साइड की जो आँख है इसके ऑप्टिक नर्व ब्रेन में राइट साइड में आ रही है, इसी तरह राइट साइड की जो आँख है इसके ऑप्टिक नर्व ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में आ रही है, और ब्रेन में पीनियल ग्लैंड के जस्ट नीचे ऑप्टिक काइज़मा जो होता है वो भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख लो ये नर्व्स की जैसे क्रॉसिंग, अब ये एक्स के आकार की रचना है, ये एक्चुअल में काइज़मा है। तो ब्रेन के एकदम बीचों बीच में अंडाकार रचना पाई जाएगी, इस अंडाकार रचना को सेंट्रल बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें दैट इज प्रोटोसेरिब्रल ब्रिज। प्रोटोसेरिब्रल, अब इसमें नाम से स्पष्ट है ब्रिज, ब्रिज का मतलब ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो दो पिंड को, दो एरिया को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, है जैसे मान लो इधर ज़मीन है उधर ज़मीन है, बीच में कोई 100 मीटर चौड़ी नदी है मान लो, अभी टुकड़े को उस टुकड़े से तोड़ना है तो उसके ऊपर ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्रोटोसेरिब्रल ब्रिज, और ये ब्रिज क्या करता है, बॉडी के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट इन दोनों बीच में एक तरह से कनेक्टिंग सेतु का ये कार्य करता है, और इसके अंदर जो लेटरल नर्व्स जो होती है, यानी ऐसी नर्व जो बॉडी के लेफ्ट पार्ट से राइट पार्ट में जा रही है या राइट पार्ट से लेफ्ट पार्ट में जा रही है, उन तंत्रिकाओं की एक तरह से जो पथ है, पाथवे है, ट्रैक्ट है, वो इस प्रोटोसेरिब्रल ब्रिज में देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज पार्स इंटरसेरिब्रलिस। अब इसमें नाम से स्पष्ट है इंटर, इंटर मतलब बीच में, सेरिब्रलिस यानी सेरिब्रल गैंग्लियन के बीच का जो पार्ट। तो ब्रेन जो होता है इसके बीच के अंदर एक
छोटी सी खांच जो होती है पाई जाती है, एक तरह से फर्रो पाया जाता है। इस फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये छोटी सी खांच है, तो ये जो पार्ट है इसमें ऑसिलर सेंटर के बीच का जो पार्ट है, इस पार्ट को पार्स इंटर सेरिब्रेलिस के नाम से जाना जाता है। और इसमें हजारों की संख्या में न्यूक्लियाई पाई जाती है। न्यूक्लियस से मतलब यहाँ केंद्रक से नहीं है, न्यूक्लियस से मतलब नर्व सेल से। तो नर्व सेल का जो झुंड होता है उसको न्यूक्लिया के नाम से जाना जाता है। और ये न्यूक्लिया एक तरह से न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स का कार्य करती है, एक तरह से ये न्यूरो हॉर्मोन्स का स्राव करती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज कॉर्पोरा पिडेंक्यूलेटा। अब ये जो पार्ट है इसमें कॉर्पोरा पिडेंक्यूलेटा, ये पार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर सबसे ऊपर कैलिक्स होता है हथौड़े के जैसा, और इसके अंदर दो लोब होते हैं, अल्फा लोब बीटा लोब। और इसके अंदर कैलिक्स जो होते हैं ये छोटी छोटी सेंसोरी नर्व्स के द्वारा रिसेप्टर एरियाज के साथ ये कनेक्टेड रहती है। और अल्फा और बीटा लोब जो है इससे आने वाली तंत्रिकाएं एंटीनल लोब के द्वारा कनेक्ट रहती है। तो इसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शंस में आने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो इसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है। और इसका जो लास्ट पार्ट है प्रोटोसेरिब्रम का, दैट इज एंटीनल लोब। और ये एंटीनल लोब ये जस्ट टीटोसेरिब्रम के जस्ट ऊपर है, और एंटीनल लोब में नाम से स्पष्ट है कि ये एंटीना से संबंधित है, क्योंकि हर इंसेक्ट में एक जोड़ी एंटीना होती है, और एंटीना से एंटीनरी नर्व जो होती है वो एंटीनरी नर्व इस एंटीनल लोब के द्वारा कनेक्ट रहती है। और एंटीनल एंटीना है वो एक तरह से सेंस ऑर्गन्स है, एक तरह से ट्रैक्टर रिसेप्टर्स भी है, भोजन की खोज में भी काम में आता है, अपोजिट सेक्स पार्टनर को डिटेक्ट करने में भी काम में आता है। तो एंटीनल लोब जो है ये एक तरह से ऑल्फैक्ट्री एरिया से संबंधित संवेदनाएं जो होती है उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है। तो ये प्रोटोसेरिब्रम के ये सात पार्ट हो गए हैं, ऑप्टिक लोब, ऑसिलर सेंटर, सेंट्रल बॉडी, प्रोटोसेरिब्रल ब्रिज, पार्स इंटरसेरिब्रलिस, कॉर्पोरा पिडेंक्यूलेटा और एंटीनल लोब। अब इस ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है दैट इज ड्यूटोसेरिब्रम। अब इसका ये वाला जो पार्ट है दिस वन, ये पार्ट पूरा ड्यूटोसेरिब्रम के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा जो पार्ट होता है इसका दैट इज टीटोसेरिब्रम, ये काफ़ी छोटा होता है। और इसके अंदर जो इंटर न्यूरॉन्स होती है, एसोसिएशन न्यूरॉन्स होती है, कम्युनिकेटिंग न्यूरॉन्स होती है, वो इन पार्ट से जनरली जो है वो गुजरती है। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक डिटेल के अंदर जैसे मैंने डिस्कस किया है, एक बार मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूँ। सेंट्रल नर्व सिस्टम में ब्रेन होता है, स्पाइनल ये डबल वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड होता है, फेरिंक्स के नीचे सब इसोफेजियल गैंग्लियन है और ये आपस में सरकम इसोफेजियल कनेक्टिव के द्वारा कनेक्टेड है। इसमें थोरेक्स में प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक गैंग्लियन है, और एब्डोमन के हर सेगमेंट में एक एक जोड़ी ये गैंग्लियन होते हैं, लेकिन एब्डोमन के गैंग्लियन में जनरली रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है। ये इसका थोड़ा एनलार्ज पोर्शन है और ये ब्रेन का और ज़्यादा एनलार्ज पोर्शन है। तो यहाँ पर ये प्रोटोसेरिब्रम, ये ड्यूटोसेरिब्रम, ये टीटोसेरिब्रम। और प्रोटोसेरिब्रम के अंदर अलग अलग पार्ट है, जैसे ऑप्टिक लोब हो गया, ऑसिलर सेंटर हो गया, प्रोटोसेरिब्रल ब्रिज हो गया, सेंट्रल बॉडी हो गया, पार्स इंटर सेरिब्रलिस हो गया, कॉर्पोरा पिडेंक्यूलेटा हो गया, एंटीनल लोब हो गया, और ये टीटोसेरिब्रम, और ये वाला पार्ट ड्यूटोसेरिब्रम। तो ये एक शॉर्ट में नट सेल में इंसेक्ट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज विसरल नर्वस सिस्टम, इसके भी तीन सब डिविजन्स हैं। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो रहेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब नर्वस सिस्टम का सेकंड जो पार्ट है दैट इज विसरल नर्वस सिस्टम, और इस विसरल नर्वस सिस्टम के भी तीन सब पार्ट हैं।
इसमें पहला डिवीजन ये होता है स्टोमेटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम, स्टोमेटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम। इसका जो सेकंड पार्ट है ये कहलाता है वेंट्रल विसरल नर्वस सिस्टम। और इसका जो तीसरा जो सब डिवीजन है ये कहलाता है कॉडल नर्वस सिस्टम। अभी से विसरल नर्वस सिस्टम का ये डिटेल डायग्राम जैसे मैंने दिखाया है, इसका फर्स्ट पार्ट स्टोमेटोगैस्ट्रिक। अब स्टोमेटोगैस्ट्रिक में नाम से स्पष्ट है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक मीन्स आहारनाल का अग्रभाग, आमाशय, गैस्ट्रिक रीजन, गैस्ट्रिक पाउच, स्टोमेटो स्टोमेटो शब्द लिया है स्टोमोडियम से, क्योंकि आहारनाल के तीन भाग है फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, या स्टोमोडियम, मेजेंट्रॉन, प्रोक्टोडियम। तो आहारनाल का जो अग्रभाग जो होता है ये सेरिब्रल गैंग्लियन के साथ कनेक्टेड रहता है, और इस स्टोमोडियम से रिलेटेड कुछ जो पार्ट है वो नर्वस सिस्टम का भी एक हिस्सा होता है, क्योंकि इसको एंटरिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये ब्रेन दिखाया है, इसमें ये ब्रेन का पार्स इंटरसेरिब्रलिस, यहाँ पर ये नर्व सेल्स दिखाई है, और इन नर्व सेल्स की जो एक्सोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ भी कनेक्ट रहती है, क्योंकि इंसेक्ट में नर्वस सिस्टम तो हाईली डेवलप्ड होता ही है, उसके अलावा इसमें अंतःस्रावी तंत्र है वो भी अत्यधिक विकसित होता है, और इसमें मेन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें जैसे कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा कार्डियका, सी सी मीन्स कॉर्पोरा कार्डियका, हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन, इसके अलावा प्रोथोरसी ग्लैंड होती है इसमें, और कई बार कई ग्लैंड के मिलने से एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उसको रिंग ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की डिटेल है, ये मैं अलग से व्याख्यान में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ये स्टोमेटोगैस्ट्रिक सिस्टम जो है ये आहारनाल का जो अग्रभाग है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करने का ये कार्य करता है, और इसके साथ हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन इसके साथ जैसे कनेक्ट रहता है, रिकरेंट नर्व इसके साथ कनेक्टेड रहती है, और जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो इसके साथ कनेक्ट रहती है, और आहारनाल का अग्रभाग जो होता है फोरगट उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी गतिविधियाँ इस स्टोमेटोगैस्ट्रिक सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होती है। अब इसका जो सेकंड पर जो पार्ट है वेंट्रल विसरल नर्वस सिस्टम, वेंट्रल विसरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, बॉडी के हर गैंग्लियन है, चाहे वो थोरेसिक गैंग्लियन हो चाहे अबडोमिनल गैंग्लियन हो, उस गैंग्लियन से जो तंत्रिकाएँ निकलती है वो तंत्रिकाएँ डेफिनेटली अपने अपने सेगमेंट में जो भी रचनाएँ हैं उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। जैसे प्रोथोरेसिक गैंग्लियन से निकलने वाली तंत्रिकाएँ टांगों को कंट्रोल करेगी, प्रोथोरेक्स में जो स्पाइरिकल है उसको कंट्रोल करेगी, मीजोथोरेक्स मेटाथोरेक्स की जो तंत्रिकाएँ होती है वो टांगों को कंट्रोल करेगी, पंखों को कंट्रोल करेगी, स्पाइरिकल्स को कंट्रोल करेगी। इसी तरह अबडोमिनल गैंग्लियन की जो तंत्रिकाएँ होती है वो अपने अपने अबडोमिनल सेगमेंट के स्पाइरिकल्स को कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो इंटरनल जो मांसपेशियों के अटैचमेंट पॉइंट होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है। और कॉडल नर्वस सिस्टम जो होता है इसका, ये क्योंकि अबडोमिन में लास्ट जो गैंग्लियन है वो कॉडल गैंग्लियन के नाम से भी जाना जाता है, और कॉडल गैंग्लियन से निकलने वाली जितनी भी तंत्रिकाएँ हैं वो बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में जो भी रचनाएँ होगी है, विशेष रूप से एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं है, जो कि फीमेल में जैसे गोनोफाइसिस के रूप में और नर में वो इंट्रोमिटेंट ऑर्गेन के रूप में या कॉपुलेटरी ऑर्गेन्स के रूप में प्रजेंट होते हैं, तो इन एब्डोमन की लास्ट जो रचनाएं हैं जेनाइटेलिया स्ट्रक्चर है उनकी गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम ये कॉडल नर्वस सिस्टम जो है वो करता है। अब इसका जो तीसरा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, दैट इज़ पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में बोले तो इसको PNS। अब पेरिफेरल में नाम से स्पष्ट है, यानी पेरिफेरी,
विसल का मतलब बॉडी के अंदर इंटीरियर, पेरिफेरल मतलब सरफेस के ऊपर पेरिफेरी। अब इंसेक्ट के बाहर एनवायरनमेंट में जितनी भी संवेदनाएं होती है उन संवेदनाओं को रिसीव करने का काम, उनको प्रोसेस करने का काम इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है। और सरफेस से डिटेक्ट करने वाले रचनाएं कौन कौन सी होती है इंसेक्ट में? एंटीना है, जैसे हर इंसेक्ट में एक जोड़ी एंटीना है, तो एंटीना है वो एक तरह से कीमोरिसेप्टर्स है, एक तरह से टैंगोरिसेप्टर्स है, एक तरह से हाइग्रोरिसेप्टर्स है। तो एंटीना से निकलने वाले एंटीनरी नर्व इन सारी गतिविधियों को प्रोसेस करेगी। इसके अलावा टारसाई, ये सेंसोरी ऑर्गन्स हैं, सरसाई सेंसोरी ऑर्गन्स हैं, पेल्पाई सेंसोरी ऑर्गन्स हैं, लेबिलम सेंसोरी ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा ओविपोस्टर है, फीमेल में जो जेनाइटेलिया है, गोनोफाइसिस है, जो कि अंडे डिपॉजिट करने का काम करते हैं ओविपोस्टर। तो ये कुछ परिधि की सेंसोरी स्ट्रक्चर्स हैं जो पेरिफेरल सेंसोरी इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करती है, और उन इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करने का काम, एनालाइज करने का काम ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये मेनली एंटीना से संबंधित है, ये मुख्यतः टारसाई से संबंधित हैं, ये पेल्पाई से संबंधित हैं, लेबिलम से संबंधित हैं, एनल सरसाई से संबंधित हैं, और एग डिपोजिशन या ओविपोस्टर जो होते हैं, एडिकस ऑर्गन्स होते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो ये एक नटसेल में इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम। और इसको मैं एक बार फ्री थोड़ा ब्रीफ में एक बार फिर मैं समराइज कर दूँ। इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम है ये तीन पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें ब्रेन के भी तीन पार्ट है, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम, टीटोसेरिब्रम। और प्रोटोसेरिब्रम है उसके अंदर सात अलग अलग एरियाज हैं, सात अलग अलग लोकेलिटी है, सात अलग अलग तरह के लोब्स हैं उसमें। तो उसमें जैसे कंपाउंड आई का ऑप्टिक लोब होता है, जैसे ऑसिलर लोब होता है, पार्स इंटर सेरिब्रलिस होता है, कॉर्पोरा पिंडाक्यूलेटा होता है, ब्रिज होती है, और ड्यूटोसेरिब्रम है उसके नीचे है, टीटोसेरिब्रम उसके नीचे है। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उसमें कुछ नर्व तो ऐसी हैं जो एक ही साइड में चलेगी, यानी लेफ्ट साइड की नर्व है तो लेफ्ट साइड में जा रही है, राइट साइड की नर्व है वो राइट साइड में जा रही है। कुछ नर्व ऐसी है जिनकी क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग जहाँ भी होगी वहाँ पर काइस्मा देखने को मिलेगा। और कुछ नर्व ब्रेन के लेफ्ट पार्ट से राइट पार्ट में जाती है या राइट पार्ट से लेफ्ट पार्ट में जाती है। तो इंसेक्ट दिखने में बहुत छोटा सा जानवर है लेकिन इसका नर्वस सिस्टम है बहुत हाईली डेवलप्ड है। जिस तरह अपने ह्यूमन में ब्रेन जैसे हाईली डेवलप्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, उसी तरह कीटों का तंत्रिका तंत्र है ये भी हाईली डेवलप्ड हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल प्रेसाइज हैं, और बिना किसी एरर के, बिना किसी त्रुटि के सारा काम एक्यूरेटली इसके द्वारा संपादित होता है। इसीलिए इंसेक्ट एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने वाले, सबसे ज़्यादा अडेप्टिव फीचर्स वाले लक्षण इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर यदि कोई भी आपदा होगी, किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना होगी, कोई विनाश की परिघटना होगी, तो इंसेक्ट ऐसे एनिमल हैं जो जिंदा रहेंगे, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी है वो काइटिन युक्त क्यूटिकल के द्वारा ढकी हुई है। और इसका जो नर्वस सिस्टम है, रिसेप्टर सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये वेल ऑर्गेनाइज होता है और सिस्टमेटिक मैनर में ये काम करता है। तो ये एक नटसेल में नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है, और समझता हूँ कि ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। चूँकि बीच में करीब 10 दिन का व्यवधान आ गया था और वायरल इन्फेक्शन से मैं भी इन्फेक्ट हो गया और अभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, और 10 दिन के इंटरवल के बाद में ये वीडियो मैंने आज कई दिनों से बनाया है। और एक बार मैं पुणे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।